तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे TCP/IP मॉडल के बारे में। तो TCP/IP मॉडल जो होता है पैटिकल मॉडल है, जिसका उपयोग पुराने ज़माने में अर्पनेट जो था प्रथम नेटवर्क जिसे जाना जाता है उसमें किया जाता है, और वर्तमान में आजकल इसका इंटरनेट में उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट का ही प्रथम में नाम था अर्पनेट, ऐसा ही था क्वेश्चन कुछ जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो TCP/IP जो होता है एक बहुत ही सारे समूह प्रोटोकॉल का समूह होता है, जिसमें दो मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं TCP और IP, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जिस इसमें एग्जाम में ढेर सारे पॉइंट्स में लिखा हुआ हूँ, फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP इज WWW प्रोटोकॉल हुम वी कॉल इंटरनेट। ऑफकोर्स आजकल इसका उपयोग इंटरनेट में ही किया जाता है, और WWW इंटरनेट का ही सर्च करने से पर वर्ल्ड वाइड वेब। दिस मॉडल प्रोवाइड्स इन टू इंड कम्युनिकेशन, यह मॉडल प्रोवाइड करता है इन टू इंड कम्युनिकेशन को। TCP/IP वॉज डेवलप्ड बाई USA डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD ड्यूरिंग 1970 to 1980। एग्जाम में आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, द पर्पज ऑफ TCP/IP मॉडल इज टू अलाउ कम्युनिकेशन ओवर लार्ज नेटवर्क। TCP/IP जो मॉडल होता है अलाउ करता है कम्युनिकेशन के लिए कि लार्ज नेटवर्क में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए तो इंटरनेट में होता है इसका उपयोग, और इंटरनेट जो होता है हमारे पूरे देश विदेश को जोड़ के रखता है। अब TCP/IP मॉडल का उपयोग हेटरोजेनियस नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। TCP/IP प्रोटोकॉल का कार्य डाटा के छोटे छोटे सेगमेंट में बांटने का होता है, और IP का कार्य इन डाटा पैकेट को नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का होता है। जैसे OSI मॉडल में 7 लेयर में बांटा गया था, इस TCP/IP मॉडल में 4 लेयर में इस मॉडल को डिवाइस किया गया है। तो पहला है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ 4 लेयर TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल का जो है एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपरी लेयर है, जो एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एप्लीकेशन लेयर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के टॉप पे होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन टू यूजर। यह लेयर प्रोवाइड कराता है यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए। सम ऑफ द प्रोटोकॉल प्रजेंट इन दिस लेयर आर HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, DNS, DHCP, ETC। तो ये भी आपको अलग से पूछ सकते हैं HTTP क्या होता है, इस सब के बारे में एंड मैं बता दूंगा आगे। एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन लेयर इज एन एप्लीकेशन सच एज फाइल ट्रांसफर, ईमेल, ETC। दिस लेयर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ टॉप 3 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। यह जो होता है परफॉर्म करता है, टॉप 3 लेयर होता है OSI मॉडल में, एक एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, एक्सेशनल लेयर को परफॉर्म करता है यह केवल एप्लीकेशन लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड कम्युनिकेशन। यह नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि मैंने बोला नेटवर्क सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए हिंदी में। अब आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है यह दूसरा लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द तीसरा ही मैं पॉइंट गलत लिख देता ट्रांसपोर्ट लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द 4 लेयर TCP/IP मॉडल। यह जो है तीसरे स्थान पर है। द पोजिशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर के बीच में। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेबल इन टू इंड कम्युनिकेशन। यह रिस्पॉन्सिबल होता है इन टू इंड कम्युनिकेशन के लिए, मीन्स जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर होता है वही इन टू इंड कम्युनिकेशन हुआ।
टू मेजर प्रोटोकॉल यूज इन दिस लेयर। इसी लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेयर है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द फोर लेयर TCP/IP मॉडल। इंटरनेट लेयर जो होता है सेकंड लेयर होता है फोर TCP/IP मॉडल के। द पोजीशन ऑफ इंटरनेट लेयर इज बिटवीन नेटवर्क एक्सेस लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। इंटरनेट लेयर का जो पोजीशन होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में होता है। द मेन प्रोटोकॉल इंक्लूड दिस लेयर आर IP, ICP, MP, ARP, ETC। इंटरनेट लेयर हैज़ थ्री मेजर वर्क्स। फर्स्ट इंटरनेट वर्किंग, सेकेंड लॉजिकल एड्रेसिंग, थर्ड राउटिंग। नेक्स्ट लेयर जो है नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द फोर लेयर TCP/IP, यानी कि उल्टा में लिखा था। इट डिफाइंस हाउ डाटा इज फिजिकली स्टार्ट थ्रू द नेटवर्क। यह डिफाइन करता है कि फिजिकली कैसे फिजिकली स्टार्ट कैसे होता है नेटवर्क में। अ प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड इंक्लूड इन नेटवर्क एक्सेस लेयर आर इथरनेट टोकन रिंग X.25 ETC।